मैं नाम अखिज है, मैं उसामा गाइस। तो गाइस आज हम अगेन वापस आ गए एक और वीडियो को लेकर। और गाइस आज का जो हम सॉन्ग सुनने जा रहे हैं ये एक रिक्वेस्टेड सॉन्ग है और ये एक त्रिपुरा सॉन्ग है। सबसे पहले तो हम इसका आप लोगों के साथ टाइटल शेयर करते हैं। आज हम आज करने जा रहे हैं एफएम ब्रू ऑफिशियल के चैनल का एक सॉन्ग जिसका टाइटल है आई डोंट नो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। इस पर हम अपना रिएक्ट करने जा रहे हैं। होश हो के आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और करते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को जो लिंक है ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लास्ट में आप लोगों ने शेयर करना है। तो गाइस अब टाइम नहीं जाया करते, जल्दी से जो है इस सॉन्ग को ना देखना स्टार्ट करते हैं। हेलो ओहो नंग ब्रो फियांग ले सो फै हा मा नशले उनु ना वॉइस देखी थी इसकी। हां ओ ओके यार लग रहा है ये त्रिपुरा सॉन्ग होगा। नो तेरे आवाज सुनते ही टेंपरेचर हाई, किशा नशा करके आई एम ऑलरेडी हाई। तेरे आवाज सुनते ही टेंपरेचर हाई, किशा नशा करके आई एम ऑलरेडी हाई। मेरा ब्लड प्रेशर हाई। पर जो भी है सॉन्ग के लिरिक्स बहुत कमाल है। अच्छा ये कोरियन क्लब की ना मतलब डांसर लग रही है। दिवाली वाला पटाखा कमाऊ ऑन लेटा का नो डाका अगर तल्ला सी हेट्स यू गिव डाका सी लाइक्स यू गिव डाका सी इग्नोर्स यू हर लड़कों की कॉल से मिलके चुभने वाली लड़की तो हमें चाहिए ना। हर मुश्किल वक्त में मंदिर में दौड़ के मन्नतें मांगने वाली चाहिए। ओ गॉड यार हनी सिंह की याद आई। हां वाकई में amazing, totally amazing lyrics hai yaar। अच्छा सॉन्ग का म्यूजिक और जो सॉन्ग में जो रैप कर रहा है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। हाँ सनी लियोनी की लुक दे रही है जब रही इस टाइम यहाँ पर एग्जैक्ट सनी लियोनी लग रही है। तेरे आवाज सुनते ही टेंपरेचर हाई, किशा नशा करके आई एम ऑलरेडी हाई। तेरे आवाज सुनते ही टेंपरेचर हाई, किशा नशा करके भाई बंदे का ना लेवल है बहुत ही। अच्छा इसका मतलब त्रिपुर जो लोग हैं मतलब के वहां की त्रिपुर के वो काफी अच्छे से हिंदी स्पीक करते हैं ना। यस और वो काफी आगे हैं। ओके जबरदस्त। ओके ओके गाइस तो वीडियो इज ओवर। तो यार क्या इस ब्रदर को बोले हम। मैं कहता हूँ मुझे लग नहीं रहा था ये कोई इंडियन या बॉलीवुड सॉन्ग है, मुझे तो ये कोई हाई लेवल का कोरियन म्यूजिक लग रहा था। अच्छा तुम्हें बॉलीवुड भी नहीं लगा। अच्छा मुझे ना बॉलीवुड लगा और काफी एक लेवल नेक्स्ट लेवल रहा इस सॉन्ग का। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसका जो रैप था हाँ। वो बड़ा ही जबरदस्त बाकी में वो लिरिक्स बहुत कमाल और जो कुछ हिंदी मिक्स करते थे ना हिंदी के जो डायलॉग आते थे ना बहुत मजा आया। जैसे हम पंजाबी सॉन्ग मतलब के हिंदी सॉन्ग सुनते हैं जब हमें ना पंजाबी सुनने को मिलता है जो हमारी अपनी लैंग्वेज है तो तब हमें ना बहुत ज्यादा मजा आता है। इसी सेम तरह इस सॉन्ग में जब हम हिंदी सुन रहे थे ना
तो मजा आ रहा था, एक ना फीलिंग हो रही थी। और बकाया जो भी भाई जो बंदी थी ना, हाँ, और जो एफएम ब्रो की वॉइस थी ना वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग वॉइस थी। हकीकत बात है यार, ये ना मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के असम का सिंगर है कुसुम क्लास, है ना, कुसुम क्लास, यस, बिल्कुल सेम मुझे ये उसके लग रहा था। मतलब कि ये ऐसे लग रहा था कि दो पीस है यार इस तरह के। हकीकत बात है। तो गाइस काफी ज्यादा मजा है सॉन्ग को सुनकर, आई होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हम अगेन आ जाएंगे नेक्स्ट और एक न्यू वीडियो में।